नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में बात करेंगे चार बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी के ऐलान का नाम सामने ला दिया। पार्टी ने राजेंद्र गहलोत को राजस्थान से प्रत्याशी बनाया है। फिर बात होगी एमपी के सियासी संकट की, जो कि भोपाल से जयपुर शिफ्ट हो गया है और सीएम गहलोत संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं। और फिर बात करेंगे कोटा को दिए गए सौगात की। ये सौगात संभाग के सबसे बड़े दो अस्पतालों को एमबीएस और जेके लोन अस्पताल के तौर पर मिली है। आखिर में बात होगी शहर के सरकार की, जिसको लेकर लॉटरी निकाली गई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और अब बात करेंगे राज्यसभा के रण की। बीजेपी ने आज राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राजेंद्र गहलोत को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राजेंद्र गहलोत के नाम पर मुहर लगी थी और इसके बाद उनका नाम दिल्ली शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के लिए भेजा गया था। बीजेपी ने आज दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में राजेंद्र गहलोत के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें, प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने हैं और बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजेंद्र गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया है। गहलोत के नाम पर फाइनली मोहर लग चुकी है। इसके बाद उनका नाम राज्यसभा भेजने की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक में राजेंद्र गहलोत के नाम पर मोहर लग चुकी है। कौन है राजेंद्र गहलोत, उस बारे में अगर आपको बताएं तो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। माली समाज के नेता हैं, जोधपुर गृहनगर है और संघ में अच्छी पकड़ इनकी रही है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस अब तक रहा है। काफी लोकप्रिय हैं, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव में भी शीर्ष भूमिका इन्होंने निभाई थी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इसीलिए शायद सभी की पहली पसंद बनते वो दिखाई दिए। तो बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर शर्मा। सुधीर, यहां पर राजेंद्र गहलोत के नाम पर फाइनली मोहर लग चुकी है, इसके पीछे, उन्हें चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, लंबे समय से बीजेपी से जुड़ाव रहा है। 19 महीने तक जेल में आपातकाल के दौरान रहे हैं और 1992-93 के बाद में एक तरह से ये कहें कि वो पार्टी के संगठनात्मक रूप से काम करते रहे हैं। लिहाजा लंबे समय से पार्टी की सेवा करने का इनाम राजेंद्र गहलोत को मिला है, क्योंकि हाल ही में जो संगठन के प्रदेश में संगठन के चुनाव हुए उसके वो प्रभारी भी रहे हैं और पूरे संगठन निर्विवाद रूप से उन्होंने संपन्न किए। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और मंत्री भी यहाँ पर वो रह चुके हैं जब बीजेपी की सरकार थी। 92-93 में जनसंपर्क मंत्री भी रहे और जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी राज्य मंत्री भी रहे। तो अगर बात की जाए कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की राजेंद्र गहलोत के रूप में उम्मीदवार बनाया है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस उन दो सीटों पे किसे उम्मीदवार बनाती है। क्योंकि प्रथम वरीयता के अगर वोटों की बात करें कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 51 वोट प्रथम वरीयता के चाहिए, लिहाजा अगर कांग्रेस अब दो उम्मीदवार ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो बिना मतदान के निर्विरोध रूप से ये चुनाव वो यहाँ पर संपन्न हो जाएंगे। कही ये जा रही थी बात कि दो जो 3 बीजेपी के यहाँ से सांसद थे जो रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से, उनको किसी को मौका नहीं दिया जाके। राजेंद्र गहलोत को जो मौका दिया गया है वो इसी बात का है कि लगभग 20 साल तक पार्टी से निरंतर से वो सेवा करते रहे, पार्टी के संगठनात्मक रूप से काम करते रहे और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया उन्होंने, उसी का इनाम उनको राजेंद्र गहलोत को मिला है। जी बिल्कुल सुधीर, एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है और दूसरी तरफ लिस्ट सामने आ चुकी है। क्या माना जाए कांग्रेस की तरफ से कब तक नामों का ऐलान होगा? देखिए, 13 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, लिहाजा संभव है कि कल तक कांग्रेस के जो दो प्रत्याशी है यहाँ के वो उनका नाम जारी कर दें। और 13 तारीख को मैं आपको बता दूं, राजेंद्र गहलोत 13 मार्च को अपना नामांकन भी विधानसभा के 106 नंबर कक्ष में, जो कि विधानसभा सचिव के यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल होता है, उसके अंदर वो नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि इसमें प्रस्तावक लगभग 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं, अलग अलग 3 से 4 सेट नामांकन के दाखिल होते हैं, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल का पूरा दिन लगेगा। लिहाजा 13 मार्च को अपना नामांकन, जो कि अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने की, उसके अंदर राजेंद्र गहलोत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है तो तमाम 3 प्रत्याशी हैं
वो 13 तारीख को ही अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से अब राजेंद्र गहलोत का नाम तो सामने आ ही चुका है, उसके बाद किस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? बीजेपी की बात कर ले तो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरीके के रिएक्शंस? निश्चित रूप से जो रिएक्शन आया है वो यही आया कि जो कर्मठ रूप से और पार्टी के हित में काम कर रहा है लगातार, उसी को पार्टी इनाम देती रही है। इससे पहले अगर आपको पता हो तो मदन लाल सैनी, जिनका स्वर्गवास हो गया राज्यसभा के लिए, उनका भी नाम चौंकाने वाले रूप में एकाएक आया था और वो भी लगातार पार्टी से जुड़े हुए रहे और लगातार बीजेपी के दफ्तर में आना और पार्टी के बताए हुए तमाम कामों को अंजाम देना लिया जाए, उनको भी राज्यसभा में भेजा गया था। सेम उसी तरह से राजेंद्र गहलोत को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको उन्होंने बेखूबी तरीके से निभाया और यही वजह है कि राजेंद्र गहलोत को अब राज्यसभा में भेजने की तैयारी हो गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेंद्र गहलोत के नाम पर फाइनली मुहर लग चुकी है, राज्यसभा का टिकट उन्हें मिल चुका है। आपातकाल के दौरान जेल गए थे और एक बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने संगठन के तौर पर भी निभाई है। माली समाज के प्रमुख नेता वो रहे हैं और इसी लिहाज से उन पर भरोसा जताया है पार्टी आलाकमान ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन अपनी सियासत का रंग बदला तो कमलनाथ सरकार पर बेरंग होने का खतरा बढ़ गया। कल तक अपना दर्द बताने वाले सिंधिया आज कांग्रेस पर जमकर बरसे तो कमलनाथ सरकार की शैली पर भी निशाना साधा। सिंधिया के अटैक से कांग्रेस आहत है तो भगवा खेमा की सियासत रंगीन हो उठी है। महाराज की कमल सियासत। हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। कमलनाथ पर भारी सिंधिया का गेरुआ रंग, सिंधिया की सियासत पूरा हुआ सपना। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे भतीजे के लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे भतीजे के लिए। होली की मस्ती के बीच मध्य प्रदेश की रंग बदलती सियासत कांग्रेस पार्टी को इस दशक का सबसे बड़ा झटका दे गई। राहुल गांधी के करीबी और मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार के दिन कांग्रेस को बाय बाय कहा और सोमवार को भगवा सियासत के साथी बन गए। मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। 18 साल तक कांग्रेस का साथ निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देते वक्त भी अपने दर्द साझा किया था। इस बार फिर सिंधिया बोले कांग्रेस में पहले वाली प्रतिबद्धता नहीं रही। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से भगवा खेमा भी खुश है। जो माधवराव सिंधिया के लोग थे वो संस्कारित लॉयल्टी थी, वो राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी। तो वो राजनीतिक लॉयल्टी अगर होती तो वो टूटते। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। एमपी के सियासी महासंग्राम में सीएम और दिग्विजय सिंह की जोड़ी से पिछड़ने के बाद सिंधिया ने मास्टर स्ट्रोक के बाद सीएम कमलनाथ की सियासत पर सीधा हमला बोला। जब 2018 में वहां सरकार बनी थी लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। होली के दिन पीएम से मिलने के बाद भोपाल की सियासत को बदल कर रख देने वाले
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की सोच को भी सैल्यूट किया। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। सियासत का रंग बदलने के बाद विचारधारा का बदलना कोई नई कहानी नहीं है। सत्ता का रंग बदलकर सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा का टिकट पाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन सवाल है कि क्या सिंधिया का ये दांव कमलनाथ सरकार की नींव हिला देगा। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सियासत अब जयपुर शिफ्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ की सरकार रहेगी या नहीं, इसका सारा दारोमदार आटिका है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर। जयपुर में एमपी कांग्रेस के करीब 88 विधायक पहुंच चुके हैं और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिली है संकट मोचक अशोक गहलोत को। महाराज की कमल सियासत। हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। कमलनाथ पर भारी सिंधिया का गेरुआ रंग। सिंधिया की सियासत पूरा हुआ सपना। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे भतीजे के लिए। होली की मस्ती के बीच मध्य प्रदेश की रंग बदलती सियासत कांग्रेस पार्टी को इस दशक का सबसे बड़ा झटका दे गई। राहुल गांधी के करीबी और मध्य प्रदेश की कांग्रेसी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र वाली सियासत। ये अवसरवादी लोग हैं, पहले चले जाते ठीक रहता, इनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। भोपाल की सियासी हलचल का केंद्र बना जयपुर। कांग्रेसी सियासत के संकट मोचक जो ये लोग कर रहे हैं जो सत्ता में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, एक बार फिर जब पार्टी संकट में दिखाई दी तो एक बार फिर आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताया है। फिलहाल क्या कुछ हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं दिनेश? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो जो विधायक हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं वो ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में रुके हुए हैं, जहां से हम अभी उसके बाहर जो है मौजूद हैं। लेकिन अभी जो पेच है वो नंबर गेम पर आकर अटक गया है। दरअसल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो आंकड़ा आया है वो अलग आंकड़ा आया है, यहाँ के जो नेता बता रहे हैं वो अलग आंकड़ा बता रहे हैं, और हमारे पास जो सूत्रों के जरिए जो जानकारी है वो अलग जानकारी है। दावा किया जा रहा है कि 85 से 90 विधायक आज जयपुर पहुंचे हैं, लेकिन हकीकत में जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये कि अभी तक केवल 78 से 80 विधायक ही जयपुर में मौजूद हैं, जिनको दो अलग अलग रिसोर्ट में ठहराया गया है। कुछ देर पहले ही जो उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस दावे की पुष्टि की है। उन्होंने माना कि अभी जो है कुछ कम संख्या में विधायक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ विधायक जो रुक गए हैं वो कल उनके आने की संभावना है। ब्यूना विस्टा की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 40 विधायक रुके हुए हैं। इसके साथ ही जो ट्री हाउस है वहाँ भी संख्या जो है वो तकरीबन 38 से 40 बताई जा रही है। तो इस तरीके से आंकड़ा जो है वो 78 से 80 के आसपास ही बैठ रहा है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि ये कहा जा रहा है बार बार नेताओं की ओर से कि जो उन्हें नंबर चाहिए सरकार बचाने के लिए, वो नंबर वो जुटा लेंगे, और इसके पूरे पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज दिन भर गहमा गहमी रही, जिस तरीके से रणनीतियां तैयार की गई कांग्रेस के कद्दावर नेताओं द्वारा, और जिसकी अगवानी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, उन्हें पूरा दारोमदार ये सौंपा गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का सियासी संकट उस पर जो है वो काबू पाया जाए, किस तरीके से उसमें कामयाब हो कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए। हमारे साथ गोवर्धन चौधरी भी जुड़ गए हैं। गोवर्धन, एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कमलनाथ सरकार को बचाने की जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, किस तरीके की अब जोड़ तोड़ होगी? देखिए, जो मध्य प्रदेश का सियासी संकट है उसको देखते हुए अब विधायकों को यहां पर कांग्रेस के विधायकों को जयपुर शिफ्ट करने का फैसला कांग्रेस हाईकमान की तरफ से किया गया है।
करीब 80 के आसपास विधायक हैं, उनको जयपुर शिफ्ट किया गया है। खबरें ऐसी भी हैं कि भोपाल से अभी एक फ्लाइट और आने वाली है, उसमें भी करीब 3 से 4 विधायकों के और आने की खबर है। कल भी कुछ विधायक और मंत्री जयपुर में आएंगे, तो ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ेगा, लेकिन अब 8-10 से ज्यादा का आंकड़ा आगे बढ़ने की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि जो बेंगलुरु में मौजूद हैं सिंधिया समर्थक विधायक उनमें से ज्यादातर के टूटने की संभावना नहीं बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो यही है कि सिंधिया के पाले के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको तोड़ा जाए। अब कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है वो आगे देखने वाली बात होगी और सरकार का भविष्य भी उस पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बार राजस्थान फिर जो सियासी संकट है उससे उभारने के लिए एक प्रमुख रोल में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर कमान संभाल है, दोनों जगह वो विधायकों से लंबी चर्चा करके गए हैं। पहले वो ब्यूना विस्टा रिजोर्ट जहां पर विधायक ठहरे वहां पर आए, फिर ट्री हाउस आए और इन विधायकों से चर्चा करके वो गए हैं। इसके साथ साथ सीएम अशोक गहलोत की जो पूरी टीम है मंत्रियों की, वो भी इन विधायकों की मेहमान नवाजी और पूरा मैनेजमेंट संभालने में लगी हुई है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उनको जिम्मेदारी दी गई है विधायकों के मेहमान नवाजी और पूरे मैनेजमेंट की। उनका ये कहना था न्यूज 18 से बातचीत में, उन्होंने माना कि जो विधायकों की मेहमान नवाजी है उसमें कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि विधायकों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन ये उनका दावा था। हालांकि ये जो ट्री हाउस रिजोर्ट है उससे 2.5 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक लिया गया, विधायकों से कोई मिल नहीं पाए, ये पुख्ता मैनेजमेंट यहां पर किया गया है रिजोर्ट प्रबंधन की ओर से भी और सरकार की ओर से भी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए इन विधायकों से बीजेपी से बचाने के लिए कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा लगातार बरकरार है। वहीं बीजेपी के विधायकों को भी हरियाणा के मानेसर भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी डर है कि कहीं उनके विधायकों को छिटक कर अपने पाले में ना ले लिया जाए। जब अपनों से ही विश्वासघात मिलता है राजनीति में तो फिर किसी पर विश्वास रह नहीं जाता। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, तो फिर बीजेपी को भी एतबार अपने विधायकों पर इतना अंधविश्वास तो नहीं करना चाहिए कि ऐसे माहौल में जब सियासी संकट चल रहा हो तो कोई न कोई कांग्रेस बीजेपी को डर सता रहा है कांग्रेस से और कांग्रेस को बीजेपी से डर सता रहा है। दोनों पार्टियों को एक दूसरे से हॉर्स ट्रेडिंग का डर जरूर सताएगा, राजनीति में ये होता भी है। तो जब तक ये फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आ जाए और वहां पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाए तब तक दोनों पार्टियां अपने अपने विधायकों को सुरक्षित जगहों पर रखने की रणनीति पर चलती है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में हो चुका, इससे पहले कर्नाटक में हो चुका, जहां जहां भी इस तरह के बहुमत की स्थिति आती है, सरकारें अल्पमत में आती है, हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बनती है, तब तब इस तरह विधायकों की बाड़ेबंदी एक तरह से की जाती है। हालांकि कांग्रेस का जो खेमा है इसको बाड़ेबंदी कहने से उनको आपत्ति है, उनका यह कहना कि हम अपने जो विधायक है उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। खैर, ऐसे वक्त पर इसी तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी है वो आमतौर पर होती है, लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसको कहा बाड़ेबंदी जाएगा। जी बिल्कुल, गोवर्धन और दिनेश आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ आगे सियासी घटनाक्रम होता चला जाएगा आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि लोकतंत्र को दल बदल को अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जनता जिनको रिजेक्ट कर देती है वो ऐसे काम करते हैं। दल बदल को कभी कोई लोकतंत्र में अच्छा नहीं मानता, और राजस्थान में जो बीजेपी करना चाहती है वो हुआ नहीं, क्योंकि राजस्थान में 100 सदस्य तो कांग्रेस के हैं, उसके बाद 14 निर्दलीय सदस्य जो कांग्रेस के थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। ये इनके अलावा जनता इनको रिजेक्ट करती है तो ये इस तरीके का ही काम करते हैं। वो तो मोदी जी के लिए भी कहा जा रहा है कि मोदी जी के खिलाफ भी काफी असंतोष है लोगों का। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात होगी कोटा को मिले सौगात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया, महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, वसुंधरा जी और गुलाब जी कटारिया ने जो मुझे अवसर प्रदान किया है पार्टी ने, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। हाँ बोलिए। आप आपातकाल में जेल में भी रहे, भैरव सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, कई विकास का काम किए, अब आज की भूमिका कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं एक साधारण कार्यकर्ता की भूमिका देखता हूँ। संगठन जो आदेश देता है, संगठन ने आदेश दिया जेल में जाना, जेल में चले गए, संगठन ने
कार्यकर्ता मंत्री के नाते रहते, मंत्री से कहा पार्षद बना तो पार्षद बन गए, और कोई कार्यक्रम और कोई काम देते तो हम संगठन नाते जो आदेश हमको मिलता वो करते हैं। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए मैं विधायक के नाते मैंने कई समस्या उठाई थी और विकास के काम किए थे। पानी की समस्या का समाधान के लिए ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे जोधपुर को बहुत बड़ा अवसर दिया है, हमारे लोकप्रिय सांसद को जल शक्ति मंत्री बनाया है, उनके साथ जुड़कर हम पानी के लिए पश्चिमी राजस्थान के लिए कुछ काम कर सकें, पानी की समस्या के समाधान के लिए और विकास के कार्यों में सहयोग करते रहें और संगठन के विस्तार के लिए काम करते रहें। इसी में मैं कार्यकर्ताओं का जो राजस्थान भर कार्यकर्ताओं का जो प्रेम स्नेह और विश्वास और हमारे पदाधिकारियों का जो विश्वास हमारे ऊपर है उनके प्रति मैं सदैव आभारी रहूँगा और उनके साथ सदैव काम करते रहूँगा। पहली सूची में मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके साथ हैं, आप भी हैं, उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं एक कार्यकर्ता का आधार पर मुझे अवसर दिया है, उस अवसर को मैं जो अवसर मिला है तो एक कार्यकर्ता के नाते काम करूँगा और उस जो अपने मैं मेरे लिए नहीं हूँ, मैं संगठन के लिए हूँ। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है मैं कुछ नहीं होता है, हम सब मिलकर संगठन का काम करेंगे, उनके साथ एक सहयोगी रहूँगा। जोधपुर के कार्यकर्ता आप पहुंचे हैं, ये प्रेम सिंह ने पहले भी मिला है, अब विकास के और काम आप उठाएंगे राज्यसभा में? जोधपुर के विकास के लिए हम काम करेंगे और पूरे राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे। हम देख रहे हैं पिछले 15 माह से जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में चल रही है वो सिर्फ एक जन विरोधी सरकार है। आज बस किसानों में, युवाओं में और आम लोगों में इस तरह का एक आक्रोश है और इस प्रकार की सारी व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं आ रही है, प्रतिदिन कोई घटनाएं घटती है और उनके साथ जनता के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं की मांग कर उन समस्याओं को, उनके जो पुलिस के दमन है, सरकार के अत्याचार है, जालिम सरकार है, उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। ये राजेंद्र गहलोत थे, पूर्व मंत्री हैं, फिलहाल राज्यसभा के अंदर हैं, फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है इनका स्वागत हो रहा है और ये कहें पहले भी ये जनता के लिए काम करते थे और एक बार फिर ये जनता के लिए काम करेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी है, खिलाड़ियों को अब आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिलेंगी। जी हां, सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को राहत दी देते हुए ये फैसला लिया है। गहलोत कैबिनेट ने नियमों में संशोधन किया है। तो गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी सौगात, खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को राहत देते हुए ये फैसला लिया है। गहलोत कैबिनेट ने इसको लेकर नियमों में संशोधन किया है। तो चलिए, अब आपको खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिलेंगी, सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को राहत दी है। तो अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी सौगात, खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां दी जाएंगी, ये अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को एक बड़ी राहत दी है। गहलोत कैबिनेट ने नियमों में इसको लेकर संशोधन भी कर लिया है। ऐसे में इस फैसले के बाद खिलाड़ियों में खासी खुशी होगी क्योंकि उनके हित में एक बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को अब आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिलेंगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।